एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक्स इनोवेशन। तो बस मैं अभी खाना बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से कोई ब्लॉग इस तरह से नहीं डाला मैंने, ठीक है। तो चलिए अब हम बना रहे हैं, छोले बना रही हूँ मैं। और छोले को मैंने बॉईल कर दिया है, सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है। और मैं आज थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। ऐसे मैंने छोले की ना बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, आप जरूर देखना। और एक तो मैंने छोले की चिकन छोले की है, फिर एक मैंने पंजाबी छोले की है, फिर एक मैंने नो ऑयल छोले, जो इसमें बिना तेल के आप इस छोले को बना सकते हो, उसकी रेसिपी शेयर की है। और बहुत ही अच्छा टेस्ट उस छोले का आता है बिना ऑयल के। तो आप मेरी छोले की रेसिपी देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी मैं और अलग तरीके से बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। और देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, ये देखिए, ये मैंने लिया है 4 प्याज लिए हैं, 3-4 टमाटर, तो टमाटर ज़्यादा लगता है। और वैसे भी मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे टमाटर सब्जियों में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने 4 लिया है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये एक छोटा सा अदरक है और ये गार्लिक है, ठीक है। तो इन सबको हमको बारीक चॉप करना है, या तो चॉप कर लो आप या तो इसको पीस लो, बट मैं इसको चॉप करूँगी। इस रेसिपी में आप चॉप करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको आप बारीक चॉप कर लो। वो मैनुअल चॉपर होता है ना, एक इलेक्ट्रिक वाला भी होता है और एक ऐसे पुश वाला भी होता है, तो मैं उसी में इसको चॉप कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसे चॉप कर लेते हैं। देखिए मैं इस चॉपर की बात कर रही थी, बहुत इजी रहता है और फटाफट से हो भी जाता है। तो इसमें मैं इसको चॉप कर लूँगी प्याज को, है ना। आप चाहो तो पीस भी सकते हो, बट ये जो मैं इस तरीके से जो छोले बना रही हूँ ना, इसमें आप अगर बारीक काट करके डालोगे ना, बारीक चॉप करोगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए हम इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। और ये जो चॉपर है ना, ये जो मैनुअल चॉपर है, अगर आपको चाहिए ना तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस चॉपर को ले लेना। बहुत ही हैंडी है ये चॉपर और बहुत अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक वाले में आपको फिर भी लगता है ना कि निकालो करो, इसको आप फटाक से किचन में यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप ले लेना, ठीक है। और ये है ना, बस इसे हमें दबाना है, पुश करना है इस तरीके से। ये देखिए इतना चॉप हमें इतना बारीक चाहिए, ठीक है, हमें इसे बारीक नहीं पीसना है। तो ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप मंगा लीजिए, ले लीजिएगा इसको अगर आपको लेना होगा तो, ठीक है। चलिए फिर इसे हम अलग कर देते हैं और इसके बाद फिर हम इन टमाटरों को भी इसी में चॉप कर लेंगे, ठीक है। चलिए छोलों को भी चेक कर लेते हैं, क्या हाल है हमारे छोलों का। एक्चुअली इसमें शाम को ही बॉईल कर लिया था ना, बॉईल करके रख लिया था। ये देखिए देखिए अच्छे से हमारा बॉईल हो गया है छोले, ठीक है। तो इसे हम अलग करके पहले हम मसाले फ्राई कर लेते हैं, देन हम इसको करेंगे आगे का। मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं, तो इसमें पूरा ऑयल था ये 5 लीटर वाले कैन में, तो इसे मैं बॉटल में खाली कर लेती हूँ। बट अभी जल्दी जल्दी था तो मैंने अभी नहीं किया, मैंने इसी से डाल दिया है, बाद में इसे छोटे वाले बॉटल में खाली कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए तो मसाला बनाते हैं अपना फटाक से, चलिए। छोले हो, राजमा हो, मटर हो, कुछ भी, उसमें ये हींग बहुत कंपलसरी होता है, तो हींग जरूर डालें आप लोग। चलिए बनाते हैं, अब हम इधर दिखाते हैं आपको। ये देखिए तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, इतना ही ऑयल लिया है मैंने, और इसे हमें गरम करके मसाला बनाएंगे हम। तेल हमारा गरम हो रहा है, और आप लोग बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ तो धूप भी है, बारिश भी है, और गर्मी तो वैसे की वैसे ही कोई फर्क गर्मी में नहीं पड़ा है, भयंकर वाली गर्मी है एकदम से। सो बताइएगा आप लोग का कैसा चल रहा है, आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है।
देखिए तेल यहाँ गर्म हो रहा है और हम इसमें डाल देंगे जीरा और हींग डालेंगे। और जीरा हींग डालने के बाद में जो मैंने मसाला ये बनाया है ना, इसे हमको फ्राई करना है और बहुत अच्छे से फ्राई करना है। 3-4 मिनट आराम से लगेगा इसे फ्राई करने में। कलर मैं आपको दिखा दूँगी कैसा चाहिए, ठीक है। ये गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आप, ऑयल गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे जीरा, है ना। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हींग डाल देंगे, और इसके बाद जो मसाला था ना, जो प्याज अदरक लहसुन हमने कूटा था मतलब चॉप किया था, उससे हम इसमें जो वाला इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारा बारीक चॉप हो गया ना, इसी तरह से हमको चाहिए, ठीक है। बस इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी और उतना ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा छोले का, ठीक है। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट दिखता है आपको, दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए मेरा मनी प्लांट कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मुझे बहुत सुंदर लगता है प्लांट वगैरह, तो मैंने एक यहाँ रखा हुआ है और उधर भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, आपको शायद देखिए। ये देखिए मसाला हमारा कलर भी चेंज कर दिया है और इसमें से खुशबू अब आ रही है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मसाले ऐड कर लेते हैं हम इसमें। मसाले में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, गैस कम कर दिया है मैंने, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच धनिया, जितना आपका मसाला हो, जितना आपका छोले हो। और ये 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है मैंने, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। एंड में डालती हूँ मैं छोले मसाला, अभी नहीं डालूँगी मैं, जब टमाटर वाला मसाला सब फ्राई हो जाएगा ना, देन मैं इसमें डालूँगी छोले मसाला, इस स्टेज पर मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, इनको मैं पीसती हूँ साथ में, ताकि ये भी अच्छे से भून जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे इसमें से, ठीक है। चॉप किया था ना, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, और नमक भी डाल देंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो फटाफट से हो और मसाला भी हमारा साथ साथ अच्छे से भूनता रहे, ठीक है। तो नमक हम थोड़ा सा हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने छोलों को बॉईल करते समय भी नमक डाला था ना, तो इसीलिए थोड़ा सा देख के डालिएगा नमक। ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है, और थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल देंगे ऊपर से, है ना। और इसको फिर थोड़ा सा हाई कर दिया मैंने, थोड़ा सा अब तक तो कम में फ्राई हो रहा था ना, अभी थोड़ा हाई कर दिया है मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, ठीक है। तो चलिए इसमें छोले मसाला ऐड कर लेते हैं, आराम से मैं भर के 2 चम्मच डालूंगी, ठीक है। बस इतना ही डालना है, 2 चम्मच डाल दिया मैंने, और डालूंगी चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला थोड़ा सा डालने से ना बहुत अच्छा छोले का फ्लेवर आता है, ठीक है। डाल दिया मैंने, और चला लेंगे अच्छे से, फिर फ्राई करेंगे हमें 1-2 मिनट इसे। ये देखो आप मसाला मेरा इतना अच्छा। और आप चाहो ना तो इस मसाले को ना आप ऐसे करके ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हो, और जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हो ना, तो फटाक से आप इस मसाले को निकाल लो, और निकाल के इस मसाले को किसी भी ग्रेवी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मसाला आपका ख़राब नहीं होता है, 4 से 5 दिन आराम से चलता है, इवन 1 हफ्ता भी चल जाता है। तो आप इसे फ्राई करके रख सकते हो ठंडा करके, और जब भी आप कोई मसाला सब्जी बनाओ तो उसमें आप इस मसाले को निकाल के यूज़ कर लो, ठीक है। ये देखिए हमारा ये मसाला रेडी हो गया। और रखना है ना अगर आपको 4-5 दिन, तो मैंने जो बहुत कम ऑयल लिया है ना, आप थोड़ा सा इसमें ऑयल और बढ़ा देना, तो ये आपका और अच्छे से ये सब्जी, ये मसाला आपका रह जाएगा 1 हफ्ता के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा भून गया है, अब हमको क्या करना है बताती हूँ आपको। हमारा छोले हमने बॉयल किया था ना, उसी में हम हमारा जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे मसाले को इसमें ऐड कर दिया है, और ट्रस्ट में बहुत यम्मी ये वाले छोले बनते हैं, ये भी बहुत अच्छे से बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना।
और इसी तरह से आप राजमा भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखो हमने कर दिया है ना। अब हम इसमें एक या दो सीटी लगा देंगे, हमारे जो छोले हैं ना एकदम परफेक्टली डन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे सीटी लगा लेते हैं। तो आप इस तरीके से छोलों को जरूर बना के देखिएगा, आप राजमा भी बना सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है ये। ठीक है, तो ये बस हो जाएगा हमारा, 5 से 10 मिनट में हमारा छोले रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने ना भटूरे के लिए ये आटा तैयार किया है। इसमें मैंने मैदा डाला है, सूजी डाला है और थोड़ा सा शक्कर, 1-2 चम्मच ऑयल, नमक और इनो डाला हुआ है। ठीक है, बस ये चीज़ मैंने डाला है इसमें और इसे मैंने अभी रख दिया है, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा, देन हम इसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी मेरा रेडी है, चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आगे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और छोले मेरा वहाँ बन रहा है और मैंने भटूरे का आटा आपको दिखाई दिया, लगा दिया है, तो बस मुझे वही बनाना है। और इतनी गर्मी से बड़ी है, थोड़ा सा भी किचन में रहो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। सो फिर चलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी मसाले मिर्ची की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है, छोले के साथ, राजमा के साथ, आलू पूड़ी के साथ आप खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, शेप मत जाइएगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा इसका बना था। छोलों को चेक कर लेता हूँ, ये देखो कितना अच्छा हमारे छोले रेडी हुए हैं, कलर भी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप बना के जरूर देखिएगा। ठीक है, और भटूरे भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो हमारे भटूरे रेडी हो गए हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं ना, ये देखो आप, तो आप भी जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलिए फिर हम इसे इंजॉय करते हैं। और ये है मेरी मसाला मिर्ची, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी, आप देख लेना, बहुत ही यम्मी लगता है इन छोले के साथ और इन भटूरों के साथ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे यम्मी से छोले रेडी हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और ये हमारे भटूरे हैं और ये हमारा आनियंस और ये हमारा मसाले वाला मिर्ची। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही यम्मी लगती है ये मसाला मिर्ची। ठीक है, तो ये हमारी थाली रेडी हो गई है। सो फाइनली हम लोग का खाना हो गया है और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। पूछे देखिए, चीकू का बनी बैठा हुआ है, वो यहीं बैठता है हमेशा चीकू के साथ। और तो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर।